शुभ यात्रा राम्रोसँगले जानु, तेरो कार्य सफलता होस्, सक्सेस होस् तेरो काम, आमा बाबाको आशीर्वाद छ। यसो दक्षिणापात गरौँ हौ बाबु, अल द बेस्ट, शुभ यात्रा, अच्छे से चले जाना, ठीक है, धन्यवाद। जीजू ने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया होगा तेरे को। सो ये बोला है मेरे को कि जो मेरे जीजू है उन्होंने भी मेरे को दक्षिणा दिया था, ये जहाँ पे भी जाते हैं ना इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग, तो मेरे को मिल गया। इसने भी दिया, कैसे दिया तुमने? मैंने हाथों से दिया तेरे को। This is your Sikkim girl and I'm back with new vlog. So yeah guys, आज वाला vlog मैं start कर रही हूँ रात के 10 बजे, क्योंकि कल सुबह मेरे को कहीं पे जाना है एंड अभी मैंने लगभग पैकिंग कर चुकी हूँ। ये देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ ये कल बताऊँगी, एंड ये मेरा रूम एकदम मेसी हो चुका है, बाफ रही, ये देखिए। कहीं पे जाना होता है ना तो रूम को हालत ख़राब होता है, क्योंकि मेरे को समझ में भी नहीं आता है कौन सा कपड़ा लेके जाऊँ कौन सा ना लेके जाऊँ। तो या गाइस मेरा ट्रिप है 5 दिन का, मैं कहाँ जा रही हूँ क्या जा रही हूँ ये कल बताऊँगी आपको, तो मेरे साथ बने रहिए। तो अभी ये सब चीज़ मैं बंद कर दूँगी, इतना ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि मैं बस पाँच दिन के लिए ही जा रही हूँ, तो इतना ही है। तो आपको मिलते हैं कल सुबह, तो मेरे साथ बने रहिए, गुड नाइट। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का बज चुका है 6 और मैं उठ गई हूँ, एंड आज का वेदर ये देखिए ऐसा है। सुबह सुबह बहुत ही रेयरली 6 बजे उठती हूँ, मीन्स कि बहुत टाइम के बाद मैं इतना जल्दी उठ रही हूँ। आपको मिलते फ्रेश व्रेश होके, ओके गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ जी गाइस मैं फ्रेश भी हो गई एंड मैं जल्दी जल्दी रेडी भी हो गई। अभी का बज चुका है 7 और मेरा जो मैंने बुकिंग किया है गाड़ी मैंने विज राइड से किया है, तो 7:30 में, तो नीचे चाय वाय पियेंगे उसके बाद चली जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एंड आज एयरपोर्ट वाला आउटफिट लगाया मैंने, एकदम ये कार्गो पैंट एकदम ही लोगों को पसंद आता है, तो मैंने भी सोचा मैं भी ले लूँ और अच्छा ही लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल है। अगर आपको भी कार्गो पैंट लेना है तो ले सकते हो, और आप लोग भी बताना का मैन में मैं कैसे लग रही हूँ, एकदम सिंपल सी बन के ही जा रही हूँ। तो अभी नीचे जाते चाय वाय पीते, बाबा ने सब मेरा सामान वगैरह नीचे रख दिया है, मेरे को रानी पुल तक छोड़ देंगे, उसके बाद तो विज राइड लेके जाएगा मेरे को एयरपोर्ट तक, तो मेरे साथ बने रहिए, अभी नीचे जाते चाय वाय पीते, ओके। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन, ओके गाइस, बाबा मेरे रानी पुल तक छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। है बाबा, गुड गुड मॉर्निंग बाबा, मारा था ना, तो क्या बोलना है, मैं आज जा रही हूँ बाबा, ध्यान से जाना, आराम से और सब कुछ काम खत्म करके आना, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सब जाते नीचे किचन, चाय बनाया होगा बाबा, मेरा ऑटो वाली कहाँ था, ताले पर है, ओके कौन से तू है, तो चाय खाएंगे ब्लैक टी। ए तबे में रेडी हुनु भएछ त, ए कस्तो राम्रो येल्लो, उठी बाबा सँगै जान्छे भन्दै थिए, जय भगवान, गुड मर्निङ आमा, चाय पियो, रानी पुल जान्छ बाबा, ओए यता आऊ तिम्रो, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, राधे 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 भन्नु, राधे राधे, के छ अनि हो ठिकै छ, शुभ यात्रा,
राम्रोसँगले जानु, तेरो कार्य सफल त होस्, सक्सेस होस् तेरो काम, आमा बाबाको आशीर्वाद छ। यसो दक्षिणापात गरौँ हौ बाबु, दक्षिणाका हिसाब चल रहा है इधर। पापा क्यों पर्स नहीं निकल रहे पापा के? अभी मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ ये धीरे धीरे बताऊंगी। अभी रेडी हो चुकी हूँ मेरे बाबा। बाबा कुछ बोलना है, जिनका भी ओपनिंग है उनके लिए भी बेस्ट विशेस, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को इतना दूर से उनको बुलाया। अब जा रही हो हाँ, जिसका जिनका भी वो जो दुकान मतलब वो खोले हाँ, आपको बुलाया, उसका सब दुकान अच्छा चले हाँ, उसका कारोबार अच्छा चले, इतना दूर से आपको बुला करके आपको इज्जत दिया है, वो उस वो इज्जत को सम्मान करना हाँ। ओके तो ठीक है, तंजा भी बोल रही है, उनको कुछ बोलना है बोल। बोलना नहीं तो आगे पास में आले तो फिर ही बैठ रहे। ऑल द बेस्ट और सुबह यात्रा अच्छे से चले जाना। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जीजू ने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया होगा तेरे को। सो ये बोला है मेरे को कि जो मेरे जीजू है उन्होंने भी मेरे को दक्षिणा दिया था। ये जहाँ पे भी जाते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग, तो मेरे को मिल गया। इसने भी दिया, कैसे दिया तुमने? मैंने हाथों से दिया तेरे को, क्योंकि ये बहुत कम होता है ये सब चीजें, क्योंकि जीजू तो देते हैं लेकिन तुम देती हो तो बड़ा खुश। बात क्या है, शादी से पहले कुछ और बात होता है, शादी के बाद जो घर के छोटी है जो इधर उधर उन सबको केयर करना, अपनी बहन की तरफ से थोड़ा बहुत देना। तो अपना ध्यान रखना, मैं 5 दिन तक नहीं हूँ क्योंकि हम लोग तो साथ में होते है ना, तो अपना ध्यान रखना, कुछ भी हुआ तो कॉल कर लेना मेरे को, ठीक है? क्या लाएगी? कुछ नहीं होगा, तू लाने के बाद कर। वो ये लेके आएगा और तो क्या ही लाएगा ना बाबा, बस उसमें काफी है, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। सो गाइस अभी निकल चुके हैं, तो या जा जी मैं ना ये बोलना भूल गई, तो साक्षी को जहाँ भी बुलाया हुआ है और उनके बिजनेस अच्छे से चले है ना, ओपनिंग सेरेमनी में साक्षी को इनवाइट किया है, इतने दूर से अच्छा लगता है ना, तो उनके जो भी बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ करे और फ्यूचर में और अच्छा कर दे आप लोग, यही मैं बोलना चाहती हूँ, और ऑल द बेस्ट आप सबको भी। हाँ अभी जाते हैं, ठीक है। तंजा ये दरवाजा खोल दे दीदी। मामा दरवाजा पनि खोल दे भन्छ। के भन्छ अरे? दरवाजा पनि खोल दे भन्छ बाबाले, भन्छ जस्तो ढिलो पो हुन्छ त, आफै खोल्नु पर्छ हैन। त्यसमा नो कमेन्ट, हिँड्ने बेला। बाई बाई, रुदिनुहोस् के को रुनु हौ। बाई बाई बाई, सत श्री अकाल सारियान। सो या गाइस मैं रानीपुर पहुँच गई हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी के लिए। बाबा ने मेरे को रानीपुर तक छोड़ दिया था, सो यहाँ से मैं विज राइड लेके जा रही हूँ, तो 7:30 पे आएगा। अभी पहुँचे किरने, तो मैं खा रही हूँ थुप्पा। गाइस या हाँ जी गाइस, तो मैं पहुँच गई हूँ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए 25 मिनट लगेगा, तो मैं अभी जा रही हूँ। ये देखिए जा रहे गेट नंबर 1 पे, बोला है।
गाइस तो अभी सब बैग चेकिंग वगैरह सब करके थोड़ा मैं रेस्ट करके अभी एडिटिंग कर रही थी क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गई थी ना सिलीगुड़ी, क्योंकि सिलीगुड़ी का कोई भरोसा नहीं होता हमारा सिक्किम का जो भी रोड का कंडीशन है ना, कभी क्या बिगड़ जाता है, कभी 4-5 घंटे तो जाम ही लगता है। तो मैं सुबह सुबह निकल गई थी तो आज अच्छा था, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड लक्की ऑल्सो, क्योंकि लक्की मानती हूँ क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आज मैं जल्दी पहुँच गई, तो यहाँ आके मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, कुछ खा लिया, लंच वगैरह यहीं से खा लिया, वीडियो एडिटिंग भी कर लिया, अभी वेट कर रही हूँ और 1 घंटा बाकी है, सो आई एम वेटिंग। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे साथ चलते रहना। ओके गाइस, तो अभी मैं फ्लाइट के अंदर आ चुकी हूँ, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में सब सेटिंग। सिलगुड़ी कुर्ताटा बोल के अभी जा रहे हैं। गाइज अभी मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली, तो अभी लैंडिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो मैं पीछे से बात कर रही हूँ। सो गाइज मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली, मैंने बताया नहीं था ना मैं कहाँ जा रही हूँ बोल के, सो यार मैं अभी पहुंच गई हूँ दिल्ली, बस दिल्ली पे नहीं आई हूँ, कहीं और जा रही हूँ, बस अभी के लिए जानकारी के लिए इतना ही सोचना। ओके बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस अभी बैगेज वगैरह कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मेमोरीज है, मैं यहीं पे जॉब किया था तो इतने दिन के बाद आज फाइनली आ रही हूँ, तो आई एम हैप्पी। सो गाइस अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल चुकी हूँ। यस, वेट कर रही हूँ गाड़ी का, मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं ना, तो आई एम वेटिंग फॉर देम। सो गाइस अभी मैं पहुँच गई हूँ, कौन सा भारत, वंदे, मैं पहुँच गई हूँ वंदे भारत में जाने वाले, ये पीछे देख सकते हो और मेरे को ये देख रहा है, मेरे को शर्म आ रही है। सो गाइस एयरपोर्ट से निकल के मैं यहाँ पे स्टेशन आई, ट्रेन का स्टेशन, एंड यहाँ से वंदे भारत, हाँ इसको बोलते हैं वंदे भारत, ट्रेन लेके मैं जा रही हूँ अलवर। अलवर ये सुपर फास्ट ट्रेन है और मैं पहली बार ये ट्रेन में चढ़ी हूँ और बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो यहाँ पे सब देते हैं, पानी वानी भी दे दिया और अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह भी आएंगे, एंड आप यहाँ से देख सकते हो इट्स वेरी नाइस, तो अच्छा लग रहा है, तो आपको मैं वहाँ पहुँच के मिलती हूँ। ओके तो अलवर में जाके मिलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी खाना क्या आएगा मैं बोलती हूँ, ओके खाने में क्या आएगा, मैंने नॉन वेज मंगवाया है तो देखते हैं। सो गाइस मेरा खाना आज के ये रहा, दही ये होगा, रोटी ये सब खोल लेंगे, ये बात होगा यार सुबह से भात ही नहीं खाए हुए। सो ये आ चुका है भात, ये दाल, ये चिकन और ये सब्जी और दही, मैं कम ही खाऊंगी क्योंकि आंटी जी ने मेरे लिए खाना बनाया है, तो अभी से मैं ज़्यादा खाऊंगी, तो आंटी जी ने बहुत मेहनत करके मेरे को 2-3 दिन से पूछ रही है क्या खाओगे बेटी, क्या खाओगे बोल के पूछ रही है ना, तो अभी फिर मैं ये सब खाते जाऊंगी, तो उधर पे मैं नहीं खा पाऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, वैसे तो मेरे को तो भूख लग रहा है पर कम ही खाऊंगी। हाँ जी गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अलवर, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है और यहाँ पे आंटी जी आ गई है और पीछे से स्नोई भी देख रही है और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे को वेलकम किया और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि घर से इतना दूर आई हूँ और यहाँ पे कितना अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू आंटी जी। अभी देखना मैं खाना खाऊँगी। सो गाइस मेरा खाना आ चुका है, ये देख सकते हैं आंटी जी वहाँ पर फुल्का बना रही है अंदर मेरे लिए, अभी
सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, कल मिलते हैं, बाय बाय।